गुड मॉर्निंग मैं सर प्रजनीश कुमार श्रीवास्तव ऑन अन अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया फॉर ऑनलाइन सिस्टम और मैं यहाँ पे एक एजुकेटर हूं मैथमेटिक्स यूपीएससी मैथेटिक्स ऑप्शनल का और सी सेट में सी सेट पढ़ाता हूँ ठीक है तो हर दिन uh, हर एक लेक्चर में मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिख रहा हूँ जो आपका सी सेट के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सीधे सीधे फास्ट ट्रैक पे कैसे किया जाएगा उसके लिए मैं कुछ टिप्स कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक इम्पोर्टेंट फार्मूला में लिख रहा हूँ आप उसको याद रखिएगा और सीधे वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसकी वैल्यूस में डालिएगा आपके आंसर निकल जाएंगे विद इन थर्टी सेकेंड निकल जाएंगे राइट तो नेक्स्ट इज दैट इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर right circular cylinder right circular cylinder this is the diagram is this E cylinder right this is axis the axis of the cylinder suppose like this this is height H. this is radius रेडियस इज सपोज दैट इज आर ठीक है राइट देन सिंपल फंडा की हाइट को रिप्रेजेंट कर लो एच से ठीक है हाइट इज एच लेटर सरफेस एरिया रेडियस ऑफ बेस दो चीज डिफाइन कर लो रेडियस ऑफ बेस बी ठीक है डायमीटर ऑफ बेस डी इसको हटा दो इसको हटा दो इसको लिखने जरूरत तो नहीं है इसको आप हटा दो इसको हटा दो ठीक है इसको आप हटा दो क्यों कंफ्यूज कर जाओगे ठीक है राइट हाइट एच ले लो ठीक है लेटर सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू एस एल ठीक एरिया बेस एस बी ठीक है टोटल सरफेस एरिया एस वॉल्यूम ये आपका नोटेशन है कि अगर हाइट को एस रिप्रेजेंट करते हैं लेटरल सरफेस एरिया को एस एल एल मतलब लेटरल और अगर बेस के टर्म डिफाइन करते हैं एस बी अगर टोटल सरफेस एरिया को एस से वॉल्यूम को वी से बेस का रेडियस स्मॉल बी से डायमीटर को आपका डी से रिप्रेजेंट करते हैं ये सारा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं तो जो फार्मूला बनता है इसमें जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला आपका ए बनता है तो पॉइंट नंबर वन वट इज पॉइंट नंबर वन हम इधर से कर लेते हैं पॉइंट नंबर वन ठीक है इधर कर लेते हैं पॉइंट नंबर वन इज नथिंग दैट इज कि अगर एस एल फाइंड आउट करना है लेटरल सरफेस एरिया लेट्रल सरफेस एरिया लेक्टर सरफेस एरिया इक्वल टू एस एल फाइंड आउट करना है ऐसे मतलब टू पाई आर एच तो टू पाई आर आर मतलब रेडियस तो टू पाई आर एच टू पाई आर एच दिस इज द इलेक्ट्रल सर्फेस एरिया अगर आपका बेस का एरिया फाइंड आउट करते हैं बेस का ठीक है राइट तो अगर बेस का फाइंड आउट करते हैं इसका तो एक ए है और एक ए है ये हो जाएगा टू पाई आर टू पाई आर स्क आर मतलब बी टू टू पाई बी स्को या डी बाई डी डायमी मतलब या टोटल कर दो टोटल सरफेस एरिया ज्यादा अच्छा रहेगा टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू एस इक्वल टू टू पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब टू पाई आर स्क्वायर आप ऐसे लिखो टू पाई आर एस प्लस टू पाई आर एस लिखो या इसको जो आपने रिप्रेजेंटेशन लिखा है उसमें लिखते हो तो पाई डी इन टू एच प्लस डी बाई टू ये हो गया डायमीटर के टर्म्स में ये हो गया आपका डायमीटर टर्म्स में और रेडियस आप बेस इक्वल टू इसको आप करेक्शन कर लो रेडियस आप बेस को आर कर लो रेडियस आप बेस इक्वल टू आर कर लो दिस इज इस आर इसको आर कर लो ठीक है रेडियस आप बेस इक्वल टू अगर आर कर लेते हैं तो ये हो गया टू पाई आर एच प्लस टू बाई आर स्क्वायर और अगर डायमीटर टर्म्स लिखते हो तो आपका ये हो गया आर को रिप्लेस कर दो डी बाई टू से आर को रिप्लेस कर दो डी बाई टू से ठीक है एंड पॉइंट नंबर थ्री अगर वॉल्यूम डिफाइन करते हो तो वट इज वॉल्यूम वॉल्यूम इक्वल टू वी एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज बाई आर स्क्वायर एच दिस दिस इज द फार्मूला राइट दिस इज द फार्मूला लेकिन अगर आपका अगर एक ऑब्लिक प्लेन सर्फेस दिस इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर अगर ऑब्लिक प्लेन सरफेस इसको कट कर दे स्लाइटली कट कर दे तब उस केस में वॉल्यूम कितना होगा एक का हाइट एक तरफ का एच वन हो जाए एक तरफ का एच टू हो जाए तब क्या होगा तो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर

दिस like this. This cylinder. इस तरह से बन जाए इस तरह बन जाए जिसमें आपका सिंपल रेडियस आपका ए आर दे दें ठीक है एक तरफ का हाइट एच वन कर दें एक तरफ का हाइट एच टू कर दें ठीक है ये डिफाइन कर दें अब इस केस में अगर हमको फाइंड आउट करना हो लेटर सरफेस एरिया मतलब रेडियस आप बेस इक्वल टू आर ठीक है ग्रेटेस्ट हाइट ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ अ साइड एक तरफ का साइड का एच वन ठीक है द शॉर्टेस्ट हाइट ऑफ अ साइड एच टू दे सर्फेस एरिया एस एल बेस सर्फेस एरिया एस बी V वी टोटल सर्फेस एस तो अगर फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला पहला पॉइंट कि अगर लेट्रल सर्फेस एरिया फाइंड आउट करना है तो पॉइंट नंबर वन लेटर सर्फेस एरिया एस एल सरफेस सर्फेस एरिया लेटर सर्फेस एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा सिंपल जो से जैसे उसमें था टू पाई आर एच होता था तो टू पाई आर एच को ब्रेक कर दो पाई आर एच प्लस पाई आर एच एक एच को एच से एक एच को एच टू से रिप्लेस कर दो मतलब पाई आर ऑफ एच वन प्लस एच टू दिस इज पॉइंट नंबर वन ठीक है पॉइंट नंबर टू टोटल सरफेस एरिया या बेस का निकाल लो पहले पहले बेस का निकाल लो ठीक है तो एस बी बेस सरफेस एरिया ऑफ बेस अब बेस में दो तरह का है एक तो सर्कल है और एक सर्कुलर सेक्शन में डिफाइन नहीं है प्लेन सेक्शन में है ठीक है तो एक तो सरफेस अगर आपका नीचे वाला पार्ट करोगे एस बी तो हो गया पाई आर स्क्वायर और प्लस ऊपर वाले का फाइंड आउट करेंगे तो ये फार्मूला होता है पाई पाईआर ऑफ़ स्क्वायर और प्लस एच वन माइनस एच टू ये जो आपका एरिया होता है दिस इज दिस तो नीचे वाला तो सर्कल सेक्शन में है सर्कुलर सेक्शन है तो पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाले का दिस इज पाई आर और अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच वन माइनस एच टू बाई टू का होल स्क्वायर अब टोटल सरफेस फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया एस इक्वल टू नथिंग एस एल और प्लस एस बी दोनों को ऐड कर दो दोनों को ऐड कर दो आपका आंसर निकल जाएगा दोनों को ऐड कर दो आपका आंसर निकल जाएगा और अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है व्हाट इज वॉल्यूम वॉल्यूम इक्वल टू वी अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा सिंपल दैट इज पाई आर स्क्वायर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच क्या बतावा लू पाई आर स्क्वायर एच तो एच को डिवाइड कर दो एच बाई टू में एच बाई टू प्लस एच बाई टू में एक एच को एच वन से एक एच को एच टू से प्लेस कर दो तो मतलब पाई स्क्वायर बाई टू पाई आर स्क्वायर बाई टू और एच वन प्लस एच टू दिस इज़ द बार अब ये जो आपकी फॉर्मूला है सिंपल अगर इस टाइप का कोई सिलेंडर दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है अगर उसका वॉल्यूम पूछता है तो कुछ नहीं करना है फॉर्मूला पुट करना है लेटर सरफेस एरिया पूछता है कुछ नहीं करना है फॉर्मूला पुट करना है अगर आपका टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो कुछ नहीं करना है फॉर्मूला पुट करना है आपका सीधे सीधे आपका आंसर आएगा अगर इस पोर्सन का एरिया पूछता है तो ये आपका फार्मूला हो गया सीधे आ गया तो आप सीधे डायरेक्ट जो है आप कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा तो ट्रिक याद है फार्मूला याद है कॉन्सेप्ट है तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे, वहाँ से वैल्यू निकालेंगे और उन वैल्यू को इस फार्मूला के अंदर अगर आप पुट कर देंगे तो सीधे सीधे आपका आंसर निकल जाएगा विद इन थर्टी मिनट थर्टी सेकेंड इन थर्टी सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड विद इन मिनट आप क्वेश्चन कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं राइट right? तो मैं हर एक क्लास में आपको हर एक सेशन में जो भी आपका सी सेट का 10 मिनट से पंद्रह मिनट का जो सेशन मैं दे रहा हूँ 10 मिनट का सेशन दे रहा हूँ हर एक में एक या दो तो ट्रिक आप बताऊँगा एक या दो तो चीज़ का कि क्यूबैर का क्या हुआ ठीक है आपका, आपका सेक्टर सर्कल क्या हुआ राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या हुआ ठीक है आपका राइट सर्कुलर कौन का क्या होगा फ्रस्टम का क्या होगा इस टाइप के जो भी आपके फार्मूलाज बनेंगे पिरामिड का क्या होगा टेक्ट्रा है डॉन हो क्या होगा ठीक है राइट आ, इस तरह से ऑक्टा ऑक्टा डॉन हो क्या होगा तो इस टाइप के जितने भी हो जितने भी हो सबका फॉर्मूला हम बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को राइट तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा ट्रिक वाइज जाएंगे